एडिशन रिएक्शन में हम पहले एग्जांपल लेते हैं RMJS का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने बोला RX plus MG gives RMGX, हमने देखा अल्काइल पहले चैप्टर के अंदर। अब ये RMGX जो रिएजेंट है हमको पहले पता होना चाहिए कि देता कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन में कौन सा एडिशन, कौन सा मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो RMGX में ये जो बॉन्ड हम तोड़ते हैं यहां बनता है Mg प्लस और R माइनस। इट इज गोइंग टू गिव यू, यहां पे रिएजेंट को ने पता कि R माइनस रिएजेंट है, कौन रिएजेंट है, R माइनस। एंड R माइनस, माइनस मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल, मतलब RMGX इज गोइंग टू गिव यू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल कौन है उसके अंदर, R माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये बात पता होना चाहिए। हाँ भाई, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है ना हमेशा एडिशन रिएक्शन देगा, और एडिशन रिएक्शन देगा किस प्रकार, कौन सा एडिशन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अच्छा, उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इट इज ना, R माइनस कौन है, न्यूक्लियोफाइल है ना। R माइनस क्यों होता है, R मींस एनी अल्काइल एराइल ग्रुप, CH3 प्लस, सो CH3 माइनस, C2H5 माइनस, एनी अल्काइल एराइल ग्रुप होता है R, वो कौन बनेगा, वो है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, आर एमजीएस रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्शन कैसे करता है, अब कोई भी रिएक्शन में हमको आर एमजीएस दे दे, वो अल्केन्स चैप्टर से लेके अमाइन्स चैप्टर तक, 12th 11th तक पूरा, कहीं भी एक एजेंट आ जाए तो हमको क्लिक होना चाहिए रिएक्शन कैसा होने वाला है। अड्डा हमारे हमको मैकेनिज्म समझना है, ठीक है ना। तभी इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आर एम जी एक्स के अगेंस्ट से लेके एमाइंस तक जितने भी रिएक्शन है सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ चैप्टर वाइज नहीं है, सुनो ऑलरेडी पंच मैंने पिया था, कोकोनट पंच पहली बार कोकोनट पंच में मस्त मजा है। तो मैंने बोला कोकोनट पंच इतना अच्छा लगा तो हम देते ऑलरेडी पंच आइडिया आपको समझ जाएगा कि अगर आर एमजीएस को रिएक्शन दिया है तो आपको लर्न की जरूरत नहीं है, वो आप रिएजेंट को देखेंगे। अच्छा, आपको पता है इसे ऐसा होने वाला है और कौन रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन ये होगा, प्रोडक्ट ये मिलेगा नंबर, ऐसा देखिए ध्यान पूर्वक। सबसे पहले RMGX जब रिएक्शन आपको करना है, आपको पता होगा कि R- is the nucleophile जो रिएक्शन करने वाला है, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर मान लीजिए जिस भी रिएक्टेंट आप ऐड कर रहे हो, प्लस रिएक्टेंट है ना, यू आर गोइंग टू ऐड दिस रिएजेंट इन रिएक्टेंट, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस रिएक्टेंट में क्या क्या है, बताया सबसे पहले मैंने, एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या इस रिएक्टेंट में, क्वेश्चन नंबर वन आपको ये पूछना है, क्या इस रिएक्टेंट में, क्या इस रिएक्टेंट में एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, ये पूछेंगे आप। किसे पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, वो सुपर नहीं पूछेंगे, सर इधर आइए बताइए है कि आपको बताया आपको नहीं है, लेकिन आपको उससे कोई एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, कैसे पहचानेंगे एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है, SO N एक्टिव हमें पहचान क्या है, अगर हाइड्रोजन इज अटैच्ड, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू SO N सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव हाइड्रोजन। या फिर एक्टिव हाइड्रोजन मतलब होता है टर्मिनल अल्काइन्स हाइड्रोजन, टर्मिनल अल्काइन्स में जो हाइड्रोजन होता है, समझते हो, मतलब क्या होता है, लास्ट ट्रिपल बॉन्ड सी एच होता है ना, तो वो सी एच का जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उस कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको टर्मिनल हाइड्रोजन, अल्काइन का हाइड्रोजन, ये जो है एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। अगर उस रिएक्टेंट में एक्टिव हाइड्रोजन है तो सिंपल है, आंसर है आर एच। आंसर क्या है, तो बाहर आएगा
एक्टिव है ना, बाहर निकलेगा एच प्लस, मैं रिएक्ट करूंगा पहले, एच प्लस द्वारा आया आर माइनस, आर माइनस एच प्लस क्या बनेगा आर एच, सिंपल है। वो अल्कोहल हो सकता है, एमाइन हो सकता है ना, कुछ भी एक्टिव हाइड्रोजन है क्या है, एच निकालो बाहर, बाहर कंपाउंड कितना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एच चाहिए हमको, उससे क्या चाहिए सिर्फ एच चाहिए, एच निकालो आर माइनस जोड़ो आर एच, अल्केन्स तैयारी हो गई, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। उदाहरण के लिए CH3MgBr को रिएक्ट कर दिया है C2H5OH के साथ और कुछ है प्रोडक्ट, क्या आंसर है CH4, ये है R करेक्ट, CH3 माइनस और इधर एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है, है वो बोलो एक्सप्रेस, हमको सिर्फ ये एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए और ये R माइनस चाहिए, हमको मिलेगा CH4, हाँ बाय प्रोडक्ट क्या है बाकी जोड़ दो ना, अब यहाँ क्या बचा Mg ये प्लस है ना, ये हो माइनस है तो प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा C2H5OMg, इधर से बाय प्रोडक्ट, अगर बाय प्रोडक्ट पूछा तो भी ले सकते हैं, तो मेन प्रोडक्ट क्या है आर एच, एक्टिव हाइड्रोजन है तो रिएक्शन ऐसा होगा, अब तो एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिएक्शन कब करेगा जब उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं है। उदाहरण देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट दिस टिल नाउ, जो मैंने बोला नाम गया आपका सिंकुआ, मान लीजिए आपको दिया है CH3MgBr CO2, बोले रिग्नार्ड रिएक्शन से CO2 पास किया है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये कैसे रिएक्शन है ना, कोई टेंशन नहीं है, क्या इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, नहीं है तो करना है हमको एडिशन रिएक्शन है ना, तो सिंपल सी बात है, CO2 के मैकेनिज्म देखते हैं कैसे करने का, एडिशन रिएक्शन को कैसे करना है, आइडिया आएगा आपको, अभी कार्बन का रिएक्शन होगा ना, कार्बन तो है उधर, CO2 मतलब किसी डबल बॉन्ड हो, किसी डबल बॉन्ड हो बराबर, दोनों सेम ही है, कहीं भी हम पाई बॉन्ड तोड़ सकते हैं, मानो ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे आएगा O माइनस, यहाँ पे आएगा C प्लस, ये क्या है CH3MgBr, इसको ब्रेक करेंगे, हमेशा बॉन्ड ये ब्रेक का पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल इज R माइनस, और कहीं ब्रेक नहीं होगा तो CH3 माइनस Mg प्लस, तो ये CH3 माइनस कहाँ जाएगा C प्लस के ऊपर, ये कहाँ जाएगा O माइनस के ऊपर, तो थोड़ा क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो, C प्लस ऊपर क्या CH3 दिस OMgBr दिस प्रोडक्ट। अब अक्सर जो है फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनता नहीं, अनस्टेबल होता है, इसीलिए याद रखिए, इसीलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको डालते हैं साथ में ना H2O या फिर H प्लस लिखा रहता है, या तो एसिडिक मीडियम में करेंगे या तो फिर एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे, क्यों, वहां मिलता है H प्लस, क्या मिलता है H प्लस, जो क्या करता है इतना मिलने के बाद अगर मैं यहां डाल देता हूं H प्लस, करेगा O माइनस Mg प्लस उठेगा H प्लस नहीं उठ जाएगा, तो अल्टीमेटली मिलता है क्या है CH3, यहां देखो आप CH3 ये C डबल बॉन्ड O है और यहां O H है, यू गेट एन एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने में मिले कार्बोक्सिलिक एसिड, मैजिक अनएक्सपेक्टेड, ध्यान मिल गया एसिड मिल गया, पर ये हमें डालते हैं हमेशा देपुट H3 ऊपर सिखाएगा या फिर एसिडिक मीडियम सिखाएगा, तो सिर्फ मुद्दा क्या है, शॉर्टकट सुनिए, शॉर्टकट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन रिएक्शन कर रहा है, इसका सिंपल मतलब मेरा ये है कि आप ऐड कर रहे हो R माइनस H प्लस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट R माइनस H प्लस, एडिशन ऑफ R माइनस H प्लस, क्योंकि जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे एक के ऊपर प्लस एक माइनस आएगा ना, यूनिट बोथ द थिंग्स करेक्ट, यूनिट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज
इलेक्ट्रोफाइल ऐसा थोड़ी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, उसी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा आपने, ऐसा होता है क्या? हर बार जब बॉन्ड टूटेगा तो एक बनेगा प्लस और एक बनेगा माइनस। हाँ भाई, प्लस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और माइनस के प्लस चाहिए ना। तो अल्टीमेटली क्या जो दिखने में लगता ये है पर ये जुड़ता जुड़ता है फिर नेक्स्ट स्टेप में जुड़ता है। तो सिंपल दिमाग याद रखो ना यार, आर माइनस एच प्लस, R minus H plus is what is the mechanism of reaction। तो जब भी आएगा तोड़ना है, एक R minus H जोड़ो, product तैयार हो गया। For example, मान लेते हैं, we have CH3MgBr again, and react this with aldehydes। Upcoming chapter जो है aldehyde, alcohol से reaction का हमने अभी, reaction with alcohol, next chapter, उस next chapter के aldehydes ketones and carboxylic acids। टूटेगा पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस। मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड देयर, मतलब एडिशन ऑफ आर माइनस प्लस, आर माइनस के यहां पे सीएच3 माइनस और एच प्लस बॉन्ड बैठा है ना, सीएच3 माइनस एच प्लस। अच्छा तो सीएच3 में हम यहां जोड़ेंगे सीएच3 माइनस को, यहां जोड़ेंगे एच प्लस को, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सीएच3 सी से छोड़ दिया सीएच3, यहां बेंच है यहां पे OH, ओह दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड से मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा हमने क्या कर दिया, सेम इसको रिएक्ट कर दिया फॉर्मल्डिहाइड्स विद फॉर्मल्डिहाइड, यू गेट सेम। देखो अभी समझ आ गया मेरे को, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह लूंगा यहां पे एच सी डबल बॉन्ड ओ ये एल्डिहाइड है, मैंने जब बॉन्ड तोड़ा तो यहां पे आया माइनस, यहां पे आया प्लस, माइनस में क्या आएगा एच प्लस आएगा और प्लस में आएगा आर माइनस आएगा, आर क्या है CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, विद फॉर्मल्डिहाइड वी गेट प्राइमरी अल्कोहल, विद अदर एल्डिहाइड्स वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैंने कोई कीटोन ले लिया, अगर आपने इसी को रिएक्शन कर दिया CH3MgBr विद कीटोन से CH3 C डबल बॉन्ड CH3, अगेन आई नो वेरी सिंपल CH3 CH3 O माइनस और C प्लस, C प्लस में आएगा CH3 माइनस, O माइनस में आएगा H, ये टर्शियरी अल्कोहल। विद कीटोन्स वी गेट टर्शियरी अल्कोहल। इज इट डिफिकल्ट, इट्स टू सिंपल, कैन प्लीज, इज इट बिकॉज़ ऑफ एसी, ये ऊपर नीचे हो रहा है कि लाइट जा रहा है बराबर, लाइट का प्रॉब्लम है कि एसी प्रॉब्लम, ये लोड ज्यादा हो रहा है क्या? Dim light is